हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्किंग स्टडी। अभी आप सक्सेस, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम सर, और यहां पे लेके आए फल के बारे में। भाई साहब, बीज मैंने बता दिया, फल। अब फल से इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, आभासी फल क्या होता है, आभासी फल के उदाहरण, और सत्य फल क्या होता है, सत्य फल के उदाहरण। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट वाला भाग होता है, तो इसको आपको क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। और मैं आपसे ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपके पेपर में ये प्रश्न, ये टॉपिक पूछा जाएगा। और जब मैं बनाऊंगा सीरीज, कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे पूरे के पूरे चैप्टर में से, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत जल्द आपके चैनल एस के स्टडी पे आने वाला है, और मुझे पता है कि आप सब उसको प्यार अपना ढेर सारा जरूर से जरूर देंगे। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियोस में आपको मैं फल के बारे में हर एक टॉपिक में क्लियर कर दिया हूं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सत्य फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है, जिसे हम लोग मिथ्या फल भी बोलते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। और अनिषेक फलन को भी मैं इसमें क्लियर किया हूं, और सारे वीडियो, सारे हेडिंग आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यार फटाफट क्या करिए, चेक आउट कीजिए। चलिए, यहां भी जानते हैं ये भाई साहब फल क्या होता है, किसे कहते हैं फल, किसे कहते हैं फल। तो सीधा लिखेंगे, परिपक्व अंडाशय से फल का निर्माण, यानी कि परिपक्व अंडाशय से क्या होता है, फल का निर्माण होता है। परिपक्व अंडाशय से क्या होता है, फल का निर्माण होता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फल कहते हैं। और बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। ये चीज आप लोग याद रखना, बीजांड से बीज का निर्माण होता है, और फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ये पॉइंट वाली बात है, आपको याद रखना चाहिए, जो कि आपके बोर्ड में पूछ ले तो बिल्कुल यही छाप के चले आना है, ठीक है ना। उसके बाद फल भित्ति, जिसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं, फल के निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे फल भित्ति होता है, पेरिस्पर्म होता है, जिसे हम लोग परिभ्रूणपोष कहते हैं। फल भित्ति और परिभ्रूणपोष, ये फल भित्ति क्या होता है, परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति कहलाती है। याद रखना, अगर बोल दिया जाए ये रिलेटेड, फल से रिलेटेड एक आपके टॉपिक है जो कि याद होने चाहिए। फल भित्ति क्या होता है, परिपक्व अंडाशय की जो भित्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फल भित्ति कहते हैं, क्योंकि अंडाशय से ही फल का क्या होता है, निर्माण होता है। पेरिस्पर्म यानी परिभ्रूणपोष क्या होता है, बीज में बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में होता है, जिसे हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं, यानी परिभ्रूणपोष कहते हैं। तो बीज में बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म यानी कि परिभ्रूणपोष कहते हैं। फल भित्तियां गूदेदार यानी कि मांसल या सूक्ष्म दोनों अवस्था में हो सकती हैं। जो फल भित्तियां होती हैं, यानी बात करें हम लोग पेरिकॉर्प की, तो यह गूदेदार हो सकती हैं या फिर मांसल होती हैं, और या फिर सूक्ष्म भी हो सकती हैं, ये हो सकती है कुल मिला, गूदेदार यानी मांसल या फिर सूक्ष्म, ये दोनों अवस्थाओं में रह सकती हैं। गूदेदार फल भित्ति के उदाहरण जैसे आपका संतरा हो गया, सेब हो गया, ये दोनों दोनों क्या है, आपके गूदेदार फल के क्या है, उदाहरण है। और सूक्ष्म फल के उदाहरण जैसे सरसों हो गया और मूंगफली। अभी आप देखिए, आप सेब को काटिए तो उसमें देखिए जैसे कि वो चकता है, मतलब कि उसके देखिए गूदा भरा रहता है। अभी आप संतरा खाइए, उसको छिलिए तो देखेंगे ना, मतलब दबता रहता है। लेकिन आप मूंगफली खाइए, सरसों खाइए, आप देखेंगे कभी उसमें गूदा रहता नहीं ना, वो बहुत सॉलिड होता है, ठोस होता है, वही रहता है। क्लियर है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके फल के प्रकार। भाई साहब, लगाइए आईएमपी, लगाइए और छापिए, एकदम छापने वाले क्वेश्चन है, एकदम कतई जहरीले वाले, इसको तो याद होना चाहिए। दिस इज द आईएमपी क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, दिस इज द आईएमपी टॉपिक फाइल फॉर बोर्ड एग्जाम। वास्तविक फल, यथार्थ फल या फिर सत्य फल क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक फल, यथार्थ फल या फिर सत्य फल क्या होता है। तो ऐसे फल जिनका निर्माण परिपक्व अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे आम, आम क्या है आपका, सत्य फल होता है, इसका निर्माण परिपक्व अंडाशय से होता है। तो फल का निर्माण क्या होता है, परिपक्व अंडाशय से हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका वास्तविक फल, यथार्थ फल या सत्य फल कहा जाता है, ये चीज याद रखना। उसके बाद आपका मिथ्या फल भी इसे कहते हैं, आभासी फल, असत्य फल दूसरा, या फिर इसे छाप लो यार, छाप डालो, क्या आपका मिथ्या फल। ये मिथ्या फल क्या होता है, आभासी फल, असत्य फल या फिर मिथ्या फल क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने इसका एक बकायदे फिगर भी बनाया है, जो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, आभासी फल या मिथ्या फल क्या होता है, ऐसे फल जो अंडाशय के अतिरिक्त उसके किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं उसे आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब, अखरोट और स्ट्रॉबेरी इत्यादि आपके आभासी फल के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। सेब और स्ट्रॉबेरी में फल का निर्माण पुष्पाशन से होता है। तो देखिए
ये क्या है आपका, ये पुष्पासन से किसका निर्माण हो रहा है, फल का, ये पुष्पासन है और इससे क्या देखिए सेब का निर्माण हो रहा है, और ये क्या है आपके अंडबीज हैं जो बीच में पाए जाते हैं, और ये क्या आपके है ये फल भित्ति है, इसको आपको क्या बोलेंगे फल भित्ति है, और ये आपका मध्य फल भित्ति है, ठीक है ना, इसको आप नोट कर सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी, ये दोनों दोनों क्या है आपके आभासी फल के क्या है उदाहरण है, तो फिर से याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वास्तविक फल या यथार्थ फल या सत्य फल क्या होता है, ऐसे फल जिनका निर्माण परिपक्व अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे आम। आभासी फल या असत्य फल क्या होता है, ऐसे फल जो अंडाशय के अतिरिक्त उसके किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं उसे आभासी फल कहते हैं, जैसे अखरोट और सेब और स्ट्रॉबेरी, ठीक है ना। यहाँ पे आपका मैंने फिगर भी बनाया है, आपका क्या ये सेब है और ये आपका क्या ये स्ट्रॉबेरी है, ये क्या आपका स्ट्रॉबेरी है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आपका आता है अनिषेक फलन, ये भाई साहब अनिषेक फलन क्या होता है इसको भी ये देख लेते हैं, किसे कहते हैं, इट इज वेरी आईएमपी टॉपिक, वेरी आईएमपी टॉपिक और आईएमपी क्वेश्चन है, अनिषेक फलन क्या होता है, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं, सॉरी, जिनका निर्माण बिना बीज के होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनिषेक फल कहते हैं, तथा ऐसे फलों के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है, बिना निषेचन के होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को यानी कि ऐसे जो फल बन रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन द्वारा उत्पन्न फलों में बीज नहीं पाए जाते, जैसे पपीता हो गया, अंगूर हो गया इत्यादि, अनिषेक फलन के क्या है उदाहरण है, यानी कि अनिषेक फल है। अनिषेक फलन रसायनों जैसे पादप हार्मोन्स ऑक्सिन व जिब्रेलिन द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो इसे हम लोग प्रेरित अनिषेक फलन भी कहते हैं, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं कि प्रेरित अनिषेक फलन क्या होता है, जब अनिषेक फलन रसायनों जैसे पादप हार्मोन्स दो प्रकार के पादप हार्मोन्स ऑक्सिन और जिब्रेलिन द्वारा प्रेरित किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, तो अनिषेक फलन सॉरी प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन क्या होता है, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक फलन बोलते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया आपका फल क्या होता है, फल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया वास्तविक फल और आभासी फल। वास्तविक फल क्या होता है, ऐसे फल जिनका निर्माण परिपक्व अंडाशय से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक या आपका सत्य फल। मिथ्या फल, आभासी फल क्या होता है, जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर वो क्या होता है आपका, इसका निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्पासन से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिथ्या फल या फिर आभासी फल या असत्य फल कहते हैं। फिर आपका अनिषेक फलन, यानी कि जिनका निर्माण ऐसे फल जिनका निर्माण आपका बिना बिना निषेचन या परागण की क्रिया के दौरान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं आपका अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे आपका केला हो गया, अंगूर हो गया, जिसमें आपका बीज नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक इसके नेक्स्ट भाग में बताने वाले हैं, तो यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।